आपके लिए तो लिफ्ट बनाया गया है, फिर आप कष्ट क्यों दे रहे हैं? सोचे कि थोड़ा पहला बार सीढ़ी पर चढ़ के देख लिया जाए। बिहार सरकार द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया गया है। बहुत खुशी हुई सरकार को देखकर, बहुत खुशी हुई। इस काम का सराहना करना चाहिए। अब तो हादसा नहीं होगा, बहुत कम हादसा। नहीं, अब हादसा नहीं होगा। नहीं, अब कोई हादसा नहीं होगा। बहुत लड़का लोग देखते हैं, पहले ही इधर से उधर फाड़ होता है, बहुत धक्का लगने का संभावना भी होता है, अब उससे नहीं होगा। पूरा एक्सीडेंट पॉइंट बन गया था, पूरा 7 किलोमीटर पर कहीं भी पास ओवरटेक करने का, यानी वो ब्रिज को पार करने का जगह नहीं था। नमस्कार, मैं हूं निखिल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। अटल पथ वाला जो रास्ता है, वहां पे जो ओवर ब्रिज था, उसका आज उद्घाटन हो गया है और कितने लोग यहां से गुजर रहे हैं आप देख सकते हैं। और चलिए बात करते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा खुश हैं इस ओवर ब्रिज से, और क्या अब खतरा नहीं है, और खुशी तो इन लोग के चेहरे से दिख ही रही होगी आपको। तो चलिए बात करते हैं और क्या बोलते हैं ये लोग। तो अब तो रोड क्रॉस करने में बहुत ज्यादा आराम रहेगा। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा आराम रहेगा। इसके लिए मैं माननीय पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी को आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने जनमानस की भावनाओं को देखते हुए इन्होंने इस पथ का ऊपर से तो जो कितने ज़्यादा खुश हैं इस पुल बनने से। बहुत ज़्यादा खुश हैं हम सभी लोगों में, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है कि बिहार सरकार द्वारा यह एक सराहनीय कार्य किया गया है। आपके लिए तो लिफ्ट बनाया गया है, फिर आप कष्ट क्यों दे रहे हैं? सोचे कि थोड़ा पहला बार सीढ़ी पर चढ़ के देख लिया जाए, इसके बाद तो लिफ्ट पर चढ़ा ही जाएगा। लिफ्ट पे चढ़ा जाएगा, एकदम चढ़ा जाएगा। खुश हैं क्योंकि आपको भी बहुत 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 खुशी हुई सरकार को देखकर, बहुत खुशी हुई। इस काम का सराहना करना चाहिए। चलिए आप बताइए आपकी देखी खुशी, क्योंकि रोज एक्सीडेंट होता था यहाँ पे और आज पे भैया एक दो बार देखे हैं कि क्रॉसिंग होने टाइम में भी एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हमको खुशी इस बात की है कि यहाँ पे इन कॉलेज बगल में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से विद्यार्थी को देखते थे बहुत को, या महिला को या पुरुष को भी देखते थे कि वहाँ से मतलब क्रॉसिंग करते हुए उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो इनको कहा गया, भाई डॉक्टर माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी माननीय विधायक हुए हमारे दिघा विधानसभा के, कि भैया कुछ किया जाए। तो प्रकार हुआ, माननीय नितिन नवीन जी भी हैं, पथ निर्माण मंत्री हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि विद्यार्थियों को अब दिक्कत नहीं है, बहुत खुशी की बात है। आपको कितनी खुशी है इस पुल बनने के बाद? बहुत ज़्यादा खुशी है। अब तो हादसा नहीं होगा, बहुत कम हादसा। नहीं, अब हादसा नहीं होगा। और लोगों को चाहिए कि जो है ना, ऊपरी पुल जो ब्रिज ओवर ब्रिज बना है उसका उपयोग करें। हाँ, जनता में अच्छा एक मैसेज गया है। माननीय विधायक जी को बहुत शुभकामनाएं हम लोग देते हैं, राजीव नगर मंडल महामंत्री है। तो अब तो हादसा बहुत कम होगा, लोग पुल पे चढ़ के क्रॉस करेंगे। अच्छा, बहुत खुश हैं। हम लोग शिवपुरी के रहने वाले हैं, यहाँ पे तो रोज हादसा होता था। हाँ, हम लोग के लिए सुविधा हो गया, पैदल पार करने में आसानी होगी। तो कितने खुश हैं क्योंकि अब तो हादसा कभी नहीं होगा? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत खुश हैं स्कूल के बनने से, क्योंकि लोगों को बहुत दिक्कत होता था। हाँ हाँ, तो अब तो हादसा नहीं होगा क्योंकि पुल क्रॉस करेंगे, पुल से जाएंगे इधर उधर लोग। जी, कितने ज्यादा खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज़रूरत है इसके, क्योंकि लोगों को बार बार घूम के शिवपुरी से राजीव नगर जाना पड़ता था। हाँ, इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अब तो हादसा नहीं होगा, लोग यहाँ यहीं से जाएंगे आएंगे एकदम जरूर, इसलिए कि बहुत तेज गाड़ी चलता है, चौड़ा रोड है, तो क्रॉस करने में तो लोग दिक्कत होता था, तो रास्ता बन गया तो इधर जाना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी कोई जाता है तो दुर्घटना होता तो उसकी जिम्मेदारी होगी, करना नहीं चाहिए, रास्ता बन गया तो। कितने ज़्यादा खुश हैं जी? कितने खुश हैं? बहुत खुश है, इसलिए कि मतलब कि एक सुरक्षा मिल गया ना, कि आराम से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। तो कितने ज़्यादा खुश हैं इस पुल के बनने से? बहुत ज़्यादा खुश हैं। आम जनता को बहुत आराम मिलेगी इधर से उधर जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। हाँ, हादसा नहीं होगा? नहीं, अब कोई हादसा नहीं होगा। बहुत लड़का लोग देखते हैं, पहले ही इधर से उधर फाड़ होता है, बहुत धक्का लगने का संभावना भी होता है, अब उससे नहीं होगा। कितने ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हादसा तो अब नहीं होगा। हादसा जो रोज एक्सीडेंट हो जाता था, अब तो नहीं होगा। हाँ, अब कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा, जो होना था जो बन गया, बहुत अच्छा बन गया हम लोग के लिए। फुट ओवर ब्रिज आप सबके लिए, आम लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गई पहले से। चलिए, आप कितने ज़्यादा खुश हैं इस ब्रिज के बनने से? बहुत खुश है। तो अब इसी से जाएंगे कि नीचे ही से शॉर्टकट मारेंगे? नहीं, अब ऊपर से जाएगा, बाल बच्चा भी जाएगा स्कूल। हाँ, और सब महिला लोग भी जाएगी। तो अब तो खतरा कुछ नहीं है क्योंकि पुल बन गया। पुल बन गया, बिल्कुल सही है। तो अब तो खतरा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। डेफिनेटली। तो कितने ज़्यादा खुश हैं इस ब्रिज के बनने के बाद? सबसे पहले तो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भैया को तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक अलग तरह का व्यवस्था की गई है। यहाँ बहुत जाम रहता था, लेकिन ये बनने से बहुत सहूलियत होगा सबके लिए,
पूरे पटना वासियों के लिए ये अलग तरह का अनुभव है। तो अब जितने भी लोग हैं शिवपुरी या फिर कहीं के भी यहाँ से जो पार करते थे नीचे से और लोग एक्सीडेंट से मर भी जाते थे, अब तो सारा चीज खत्म। अब तो खत्म हो गया, ये कि बहुत सहूलियत हो गया लोगों को आर पार करने में, बहुत लंबा घूर के जाना पड़ता था। तो कितने ज्यादा खुश हैं? बहुत खुश है यहाँ की जनता। एक तो रोड बन गया, उसके बाद फिर ओवर ब्रिज बन गया, तो बहुत सभी लोगों को सुविधा होगा। तो इस सुविधा से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा खतरा नहीं होगा, क्योंकि लोग कहते थे लोग बहुत मरते हैं यहाँ, मरते बहुत बहुत जबरदस्त। पूरा एक्सीडेंट पॉइंट बन गया था, पूरा 7 किलोमीटर पर कहीं भी पास ओवरटेक करने का यानी वो ब्रिज को पार करने का जगह नहीं था। ये सरकार की सोच को सलाम करते हैं और ये हम माननीय पथ निर्माण मंत्री जो है नितिन नवीन जी को बहुत बड़ा बधाई दे रहे हैं इस इलाके की ओर से। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्कूली वाले बच्चे जो भी इस तरफ से बोरिंग रोड वाले एरिया को कवर करने जाते थे उनके लिए काफ़ी बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूली बच्चे के लिए खास करके बहुत बड़ा वरदान हुआ है। तो आप कितने ज़्यादा खुश हैं इस ओवरब्रिज बनने के बाद? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आर ब्लॉक से लेकर दीघा तक जो दोनों तरफ लाखों लाख आदमी या करिए बसते हैं इंसान, और आपको मालूम होगा कि इस ब्रिज से बनने से कबल पुनाई चक के पास भी और यहाँ पर भी प्रदर्शन हमेशा लोगों ने यही लिए किया था, महिलाओं ने भी और यहाँ के पुरुषों ने भी, और उसमें खुद मैं भी शामिल था जो 27 से 26 दिसंबर को जो शाम में। ये सरकार को अभी इस माध्यम से बधाई दी जा सकती है, बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार को आपने बधाई, बिल्कुल केंद्र की सरकार से अगर मिलके ना होता तो हरगिज कामयाबी नहीं मिलती। तो आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार जी को, और मैं यूं भी कहा करता हूँ, सियासत सीखनी हो तो नीतीश कुमार से भी सीखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार सबके हैं, वो हर एक की भलाई चाहते हैं। एक रुबाई मेरी तरफ से आज लेते जाइए जो खुशी का ये है, तो कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है। भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, हर एक नागरिक की फिक्र करने वाली मोदी जी को भी कह लीजिए, नीतीश जी को भी, नवीन जी को भी, संजीव चौरसिया सबको बधाई। तो आप लोग कितने खुश हैं? भैया मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि I have got a chance to come here, so I'm very glad and I feel very happy. Thank you. आप बताइए। I'm also so happy. तो आपने लोगों का कहना सुन ही लिया कि जितने लोग भी इस ओवरब्रिज पे चढ़ रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और लोगों का बस यही कहना है कि पहले एक्सीडेंट बहुत होता था, वो अब नहीं होगा, और जो बेवकूफ हैं वो अब भी नीचे से जाएंगे। इतना अच्छा ओवरब्रिज बना है, लोगों को यहीं से जाना आना चाहिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।